क्या नाम है आपका? अलीना बतूल। कैसा लग रहा है आपको लाला हमारे शो पर आए हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लग सकता? आपके साथ भी अच्छा लग रहा है। समटाइम मैं आपको जब टिकटॉक्स में देखती थी तो ये कहना नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी मम्मा के सामने कहती थी, अम्मी ये मर जाएगा। मर क्यों जाऊंगा सर? वो आप इतने स्पिरिट में होते थे, जब मैच हो रहा होता था आप कह रहे थे हम जीतेंगे, ये होने वाला है, ये तो, वो मोमेंट जब होते तो सोचो अगर लाला के टाइम पे मैं स्टेडियम जाया करता तो मैं बाकी मर जाता। ये शुक्र है कि मेरी बारी में आपको ये ख्याल नहीं है कि मर जाएगा। मैं तो बहुत जल्दी होता था सर। एक्चुअली जब आप खेल रहे होते थे तो मेरा क्वेश्चन भी है ये कि जब आप खेल रहे होते तो मैं पिच पे, मतलब जिस तरह होते थे, मैं टीवी के करीब जाके ना इस तरह करती थी, लाला प्लीज छक्का मार दो, प्लीज छक्का मार दो। मतलब जिस तरह ये लाला प्लीज, सोचो लाला भी स्टेडियम में एकदम आवाज कहां से आ रही है। अच्छा अब ये ना बच्ची ने सवाल किया है ना कि छक्का मार दो, मैं ग्राउंड जब भी अंदर जाता ना उससे पहले मैं सोचता था हमेशा कि मैं जाके 5-6 बॉले आराम से पहले खेलूंगा, उसके बाद भी मैं शॉट मारूंगा, लेकिन जैसे ही इंटर ऐसी आवाजें आती होंगी, ऐसी आवाजें आती थी सर, यही मैं क्या करता सर, यही मुझे तो बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका सर। वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी होती थी कि आपके मामले में तो वैसे या छक्का या आउट। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर आपको कभी ग्राउंड में ऐसी साउंड सम टाइम होता है दिल से आवाज आती है, कभी आपने ऐसा फील किया ऐसी कोई आवाज आई है आपको? मेरी नहीं वैसे। थैंक यू पूछते हैं लाला। अच्छा इस तरह की आवाज तो नहीं आई, लेकिन ये था कि लाला खुदा के लिए जल्दी आउट नहीं होना। जाते हुए ना मैं यूं करके पीछे देखता था, मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा। अच्छा लाला वैसे जब आप ग्राउंड में एंटर होते थे तो एक जो पूरी ऑपोजिट टीम को एकदम उनके रंग चेंज, उनका मूड चेंज, कोई ऐसे हो रहा है, कोई कैप्टन ने रोक दिया फील्डिंग इधर आओ, तो आपको एक खुशी होती थी कि मेरी दहशत इतनी है? अच्छा जब हम इंडिया का टूर करके आए थे, काफ़ी उनको मार के आए थे, हम जीत के आए थे, तो अनिल कुंबले मुशी भाई के साथ बात कर रहा था, तो मुशी भाई को अनिल कुंबले कहता है यार ये किस किस्म का प्लेयर है यार, ना इसको अपनी इज्जत की फिक्र है ना हमारी फिक्र है। देखिए खेल हो और खेल अपनी मर्जी का ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। देखिए मैं बताऊँ आपको चीज़ें क्या होती है, हम गोरे कोच को या बॉब वुलमर को हम क्यों हाईली रेट करते थे एज अ कोच, उसकी वजह थी बड़ी कि वो आपको आपकी स्ट्रेंथ पे रहने देता था। अब मैं अगर मुझे अल्लाह ताला ने एक चीज़ की सलाहियत दी थी तो मुझे मेरा कोच बैठ के ये कहता था कि यार लला आप आराम से खेला करो, आप पहले सिंगल डबल किया करो, ये किया करो। अच्छा ये एक कोचिंग है, एक कोचिंग ये है जो बॉब वुलमर करता था कि लला यार बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा है तुमने, चाहे एक मारा होगा लेकिन वो आके मुझे गिरने नहीं देता था, वो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पे रहने देता था। अब मैं जब पाकिस्तानी कोचेस के बीच में खेलता था, मैं बैटिंग करने जाता था, तो मैं ये सोचता था कि यार मैं अगर आउट हो गया तो फिर कोच फिर मैच के बाद बाहर बैठ के मुझे बातें करेगा बताएगा, तो वो उस चीज़ का प्रेशर मेरे ऊपर हमेशा बहुत रहा है। तो बॉब वुलमर के टाइम पे अगर आप मेरी इंडिविजुअल या एज अ टीम परफॉर्मेंसेज देखें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। तो इट्स ऑल माइंड सेट, मैन मैनेजमेंट, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम में मैन मैनेजमेंट की जरूरत है, कोचेस की नहीं है। इर्द गिर्द के लोग आपको हमेशा अपलिफ्ट करें तो वही सही रहता है। अब वही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरा तो घर में भी प्रेशर रहता था। आते थे बेटी बाबा फिर जीरो पे आउट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। My name is Miriam Fatima and I'm from BS English. I want to ask you that PSL की आप ऑलमोस्ट हर टीम से खेले हैं और लाहौर की टीम से नहीं खेले आप, और उसमें इसलिए तो जीत रही है वो। पर देखिए उसमें तो शाहीन और इतने बड़े बड़े मैंने सब उसकी ड्यूटी लगाई है। वो लाला की तरफ से शाहीन लाहौर के लंदन के बाद जी। ब्रेकिंग न्यूज, आज आप इतना अच्छा सवाल था कि हर टीम से खेले लाहौर से नहीं खेले, तो लाला ने बता दिया कि शाहीन की ड्यूटी मैंने लगाई हुई है। ले जी आखिरी सवाल भाईजान। शाहिद भाई 1998 में एक 6 साल का बच्चा था, आपने टोरंटो में जब सेंचुरी की थी आपका फैन बन गया था, आपने थोड़े अरसे बाद चेन्नई गए, वहाँ पे आपने 141 किया इंडिया के खिलाफ, वो और बड़ा फैन हो गया आपका, फिर आपने 3 साल बाद इतने बड़े फैन हो गए हो यार तुम। 3 साल बाद आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई, और बड़ा फैन हो गया। 2005 में कानपुर में इंडिया के खिलाफ आपने फिर 45 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, और बड़ा फैन। नादरा में तो नहीं है? आपके जल्दी आउट होने पर रोते भी बहुत थे, लेकिन जब आपने 2009 में सेमीफाइनल और फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में 50 बनाई तब खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा रोए थे। 2014 की बात है, मैंने ट्वीट किया था कि शायद भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है
कि मैं एक दिन आपसे मिल सकूं और आपको बता सकूं फेस टू फेस कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। और यार आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। यार इतने बड़े फैन हो गए, तुम रो रहे हो यार, कैसे हो लाला? खैरियत है? आ जाओ आ जाओ। और बाकी सेहत से भी लग रहे हो, काफी बड़े फैन हो मेरे यार। तालियां यार, ये वही बात है इज्जत और प्यार वाली। शायद भाई मुझे पता नहीं कितनी बार ये ख्वाब आया कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ आपको बता रहा हूँ और मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे आपको कैसे वो ख्वाब पूरा हो गया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये है कि आप फैन ही जो हैं जो जिनकी वजह से शाहिद अफरीदी है, ठीक है ना? अगर आप लोग ना होते हमारी जिंदगियों में, अगर आप लोग हमारी जिंदगियों में ना होते तो हम क्या करते, ये पता है? आप लोगों की ये मोहब्बत ही तो हमें आगे लड़ना सिखाती है किसी भी फील्ड में। शायद भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके इतने बड़े फैन हैं, जिनकी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी तरह यही है कि हम शाहिद भाई से एक बार मिल सकें। ये जाले हैं आपके शाहिद भाई थैंक यू। और लेकिन तुमने बचपन से मुझे देख रहे हो, तुम्हारी उम्र तो मुझसे ज्यादा लग रही है। इतना बचपन कर दिया मुझे यार, मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ। शायद भी ये चीज़ है आपकी हमें इंस्पायर करती है कि मैं आपसे शायद 15-16 साल छोटा हूँ लेकिन देखने में 15-16 साल बड़ा लग रहा हूँ। हाँ हाँ ये सही कहा, खुश रहो। चलो अब ध्यान से घर जाना, रास्ते में किसी ज़्यादा बात ना करना, कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल बात नहीं करनी, ठीक है? और ये हाथ धोना नहीं अब कुछ टाइम, ये कपड़े भी ना चेंज करना। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। मैंने तो ब्रेक में जल्दी से चाय वाय पी ली, आपने क्या किया हमें कमेंट में बताएं, लेकिन उतनी देर हम शो वापस आगे लेकर चलते हैं। साहिद भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं Please. जिसका नाम है पिक्चर सेगमेंट। अच्छा, हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो उन पिक्चर्स में है नहीं। अच्छा, कि स्टोरी के एंड के पीछे लगाए जी। माशाल्लाह क्या बात हुई, कुछ शादी का मशवरा दिया सलमान भाई को? एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ इंडिया है, तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। बिल्कुल। सलमान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से, जो इनकी फाउंडेशन लेके चल रही है वो भी बड़ा जबरदस्त काम करती है, और अल्लाह ने इस बंदे को जो है ना बड़ा खूबसूरत दिल दी है, बहुत ही प्यारा इंसान है भाई ये माशाल्लाह। ये उम्रे पे हज पे ये स्टोरी, ये वाली स्टोरी तो सुना दे, ये मुलाकात कैसे हुई, क्या बात हुई? आमिर ने किया क्या? अरे शाहिद, अरे कैसे हो? अरे बहुत अच्छा लगा मिलके तुमसे। आइला, अरे एक चाय वापस, एक चाय वापस, एक कप में पिएंगे। अच्छा, 2011 का वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हम हारे तो मैं कमरे में आया, तो ये फिर मेरे पास सीधा कमरे में ही आ गया, तो मेरी पहली मुलाकात ही आया, बैठा, गपशप लगाई इसने, टीम की परफॉर्मेंसेस की बड़ी तारीफ की कि बड़ा अच्छा खेले हो आप लोग ये वर्ल्ड कप, तो वहाँ से सलाम दुआ। एंड देन फिर उमरे पे गए थे, मैं गया था, ये भी अपनी वालदा को लेके आया था, और मौलाना तारिक जमील साहब को मिलना था, फिर मौलाना साहब के को मिलाना था मैंने इनसे, फिर वो ये वहीं की तस्वीर है। अच्छा,